हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ राहुल जयसवाल, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल JR Tutorials में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का लेक्चर वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि हम जो भी लेक्चर वीडियो लेकर आते हैं वो टाइम टेबल के हिसाब से लेकर आते हैं, तो आज आपके लिए मैथ्स का लेक्चर का दिन है। तो इसके लिए मैं लेकर आ गया हमारा 7th स्टैंडर्ड के लिए जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, इसका हम लोग का आज जो है लेक्चर नंबर 3 हम लोग को पढ़ना है। तो इसके पहले जो प्रीवियस वीक में जो हमारा मैथ्स का लेक्चर हुआ था, उसमें हमने देखा था कि कैसे हम लोग कोई भी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन को परफॉर्म कर पाते हैं। मल्टीप्लीकेशन के ऊपर तो हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिया था, हमारा जो प्रैक्टिस सेट था 2 पॉइंट जो हमारा सॉरी प्रैक्टिस सेट 8 जो था हमारा, वो हमने सॉल्व किया हुआ था। एंड आज जो हमें करना है डिवीजन कैसे करते हैं वो हमने सीखा हुआ था, लेकिन उसके बेस पे जो हमारा प्रैक्टिस सेट रह गया है वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिस सेट 9। और आज जो हमारा ये सेकंड चैप्टर है, दैट इज डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, या टोटली हम लोग इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, एंड ये वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर से देखते रहना है। ओके, तो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है प्रैक्टिस सेट 9 है, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सॉल्व, इसमें आपको कुछ डिवीजन दिए हुए हैं और आपको इसको सॉल्व करना है। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी होता है, टोटल 10 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में 10 है, तो 10 में से मैं 5 यहाँ पे कराऊंगा, बाकी 5 आपके लिए होमवर्क दूंगा, एंड सेकंड थर्ड यहाँ पे मैं करा दूंगा आप लोग के लिए कन्वीनियंस के लिए, आपको बस ध्यान से देखते रहना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लूंगा यहाँ पे, दैट इज लिखा हुआ है -96 डिवाइड बाय 16। ओके, -96 डिवाइड बाय 16। सबसे पहले आपको ये चीज देखना है कि कभी भी आपको ऐसे फॉर्म में जब डिवीजन दिया होता है तो आपको करना होता है इसको ऐसे फॉर्म में, दैट इज फ्रैक्शन फॉर्म में। तो -96 लिख दो, डिवाइड का मतलब होता है अपॉन 16, आपको ऐसा लिख देना है, इज इक्वल टू लिख देना है। अब आप ये कर सकते हो कि डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो आपके पास जो मेथड है आप हमेशा से करते आ रहे हो रफ में, आप कहीं पे भी रफ फिगर ले लो, वहां पे आपको क्या करना है ऐसा डिवाइड करके देखना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 16 के टेबल में 96 जाता है, अगर ये आपको पता है तो आप डायरेक्टली आप ऐसा भी डिवाइड कर सकते हो, नहीं है तो भी आप ऐसा कर सकते हो। जैसे कि ये 96 दिया हुआ है, माइनस जो है उसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाना है। ठीक है, माइनस को आपको थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि 16 है आपके पास, करेक्ट है? ठीक है, तो 96 अंदर चला गया, 16 बाहर है। आप इमेजिन करो कि आप कैसे इसको डिवाइड कर सकते हो, तो 16 का टेबल आपको पता होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो 16 का टेबल आप जब लर्न करोगे आप लोगों को, मैं दो मेथड बताऊंगा, एक तो ये मेथड है और एक इससे इजी वाला मेथड भी है, लेकिन वो थोड़ा लंबा मेथड है। तो पहले मैं आपको थोड़ा हार्ड वाला मेथड बता रहा हूं, क्योंकि आपको 16 का टेबल आना चाहिए उसके लिए। तो आप 7th स्टैंडर्ड में हो, आपको 16 का टेबल आता है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको 16 का टेबल नहीं आता है फ्रेंड्स, तो और हो सकता है कि 16 है यहाँ पे, तो 16 के अलावा और भी ऐसे कुछ बड़े नंबर्स होंगे, 28 होगा, 56 होगा, कुछ भी हो सकता है, ऐसे कुछ नंबर्स रहेंगे तो कैसे हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर एक का टेबल तो हमें आएगा नहीं, तो वो मेथड भी आपको बताऊंगा। तो आपके ऊपर है वो आप कौन सा मेथड करना चाहते हो। तो ये आप देखोगे तो 16 का टेबल मुझे आता है तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि 16 सिक्सा होता है वो 96 होता है, तो डायरेक्टली माइनस कर दिया, 0 बच गया रिमाइंडर में, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 6। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे आंसर में 6 और यहाँ पे माइनस है, इसके लिए यहाँ पे माइनस लिख दिया, तो एक स्टेप में आपका आंसर आ गया। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप लोग को आना चाहिए आपका टेबल 16 का, 20 का, एटलीस्ट 20 तक आपको टेबल आना चाहिए। तो आपको अगर ये नहीं आता है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, -96 है, नीचे 16 है, तो आपको कुछ ऐसा नंबर ढूंढना है कि आपको उसको फैक्टराइज कर सके, आप इसको छोटा बना सकते। तो फैक्टराइज करना है, आप ऐसा कुछ कॉमन नंबर ढूंढो जो 16 के टेबल में भी आता होगा, 96 के टेबल में भी आता होगा, मतलब 96 भी वो टेबल में आता होगा। तो लेट सपोज मैं लेता हूं 2, क्योंकि आप देखोगे दोनों नंबर क्या है, इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है। तो 16 अभी आप देखोगे तो 2 के टेबल में आप देखोगे तो 2 8 16 होता है, करेक्ट है? करेक्ट है। एंड 96 को भी आप डिवाइड करके देख सकते हो 2 के टेबल से। ठीक है, तो 2 4 8 होता है, ये साइड में करके देखो आप। ठीक है, 2 4 8 होता है, 1 बचा 16, 2 8 16, मतलब 48 बार में आया हमारा 96, तो 2 48 आ गया 96, और यहाँ पे माइनस आपका पहले से ही लगा हुआ था। ओके, अब और इसको छोटा बना सकते हो आप, क्या कर सकते हो, अभी 8 का टेबल आपको तो आता होगा, तो आप सोचो कि 8 के टेबल में 48 आता है, यस आता है, तो डायरेक्टली कट हो जाएगा 8 1 8 और 8 6 48, तो आपने छोटा बना लिया और आपका आंसर आ गया -6। देखो जो हमने डायरेक्ट निकाला था यहाँ पे आपके 2 स्टेप में है, तो यहाँ पे आपका मेथड तो इजी, आपने इजी बनाया, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं तो मेरा इंसिस्टेंस यही है कि आप लोग के लिए कि आप लोग क्या करोगे कि ये लंबा वाला मेथड है उसको सॉल्व करोगे, क्योंकि ये आपके लिए इजी होगा, क्योंकि बड़ा टेबल आपको नहीं आएगा करने के लिए। और एक दो एग्जांपल कराऊंगा थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है, उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे से समझाता हूं यहाँ पे। ठीक है, बड़ा नंबर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो लेट सपोज आई एम टेकिंग माई सेकंड नंबर हियर। सेकेंड नंबर क्या हो सकता है यहाँ पे जो आपको आपके सिलेबस में दिया हुआ है, दैट इज 98 डिवाइड बाय, सेकेंड क्वेश्चन 98 है, इसको डिवाइड करना है हमें, किससे डिवाइड करना है, -28 से डिवाइड करना है। ठीक है, -28, ओके, सेम आपको क्या लिखना है यहाँ पे, 98 लिख देना है, डिवाइड करके 28 लिख देना है, और ये माइनस में है सबसे पहले। ठीक है, सो कर देना है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देंगे कि जो माइनस है इसको ऊपर ला देंगे, आपको पता है डायरेक्टली हम लोग ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा 98 -98 ले लो डिवाइड बाय 28,
ये माइनस को मैंने ऊपर शिफ्ट किया ताकि कन्वीनियंस के लिए। अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना क्योंकि आप लोग को तो डायरेक्ट करने आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऐसा होता है इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसा, दैट इज अंदर ऊपर जो नंबर रहता है वो अंदर डाल दो एंड 28। तो 28 का टेबल आपको आता होगा तो डायरेक्टली आप इसको डिवाइड कर सकते थे कि अगर वो आता रहेगा तो डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाता है। लेकिन आपको 28 का टेबल या फिर जो भी नंबर दिया रहेगा जरूरी नहीं है कि आपको उसका टेबल आएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये मेथड नहीं फॉलो करना है, आपको सिंपली पहले इसको ऐसा लिख देना है। अब सोचना है कि इसको मैं और छोटा बना सकता हूं तो कुछ कॉमन नंबर ढूंढो। अब सोचो कि देखो यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 98 है, तो 2 के टेबल सबसे पहले तो आप 2 ही सोचोगे, तो 2 के टेबल में ये कट हो सकता है क्या? तो इमेजिन करो 2 के टेबल में 28 आएगा, यस आएगा। कैसे आएगा देखो, यहाँ पे 2 वन 2 हो जाएगा और 8 है 2 4 8 हो जाएगा, तो 14 बचा। मतलब 2 को 14 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या है 28 आया। एक और तरीका है इसको ऐसे कट करने का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है 28 को 2 से डिवाइड करना, क्योंकि आपने मन में लिया कि 2 नंबर जो है वो 28 से जा सकता है। तो मैंने क्या किया, 28 इधर लिखा और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 वन 2 माइनस क्या 1 बचा 18, 2 9 सॉरी ये 0 हो गया और ये 8 हो गया, 2 4 8 ठीक है, ये 0 आ गया, मतलब 14 आ गया। तो मैंने 14 लिख लिया यहाँ पे, करेक्ट है, यहाँ पे मैंने 14 लिख लिया। तो मेरा 2 14 28 आ गया। अब 2 के टेबल में ही 98 भी कट होना चाहिए क्योंकि दोनों में सेम होना चाहिए ना। अभी इसको मैंने 2 से कट किया, मतलब छोटा बनाया, सिंप्लीफाई किया, तो इसको भी 2 से मैं कट करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 98 को भी डिवाइड करके देखता हूँ 2 से होता है क्या। 2 4 8 हो गया, माइनस 8 माइनस किया 1 बचा 18, 2 9 18 49, 2 49 कितना होता है 98 होता है। तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा 49, ठीक है, माइनस करके, माइनस है ना, इसके लिए माइनस 49 अपॉन 14 हो गया। अब यहाँ पे मैंने कुछ सिंप्लीफाई कर दिया इसको, अब थोड़ा आपको नंबर छोटा लग रहा होगा, ये नंबर 14 हो गया, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज रहेंगे यार 14 जो है वो उसका टेबल मुझे आता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। तो आप क्या सोचोगे कि कुछ ऐसा नंबर है क्या कि वो जो है उसके टेबल में 14 भी आ जाए और उसके टेबल में 49 भी आ जाए। तो आप सोचोगे 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 के टेबल में आप जब देखोगे तो 7 के टेबल में 2 जा 14 आता है और 7 के टेबल में 49 जो है 7 जा आता है। तो आपका आंसर जो आएगा वो ऊपर क्या आया, माइनस और ये 7, तो माइनस 7 और नीचे जो है वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो माइनस 7 बाई 2 इज योर आंसर, क्योंकि 7 को 2 से तो डिवाइड कर ही नहीं सकते, 8 से होता है 2 डिवाइड। तो ये हमारा आंसर ऐसे का ऐसी रहेगा फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो उम्मीद करता हूं ये वाला आपको समझ में आएगा। चाहे हम कितने भी बड़ा बड़ा से बड़ा नंबर ले लो उसको हम लोग कट करने आना चाहिए, सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। एक बार आपने सिंप्लीफाई कर लिया, उसको सिंपल फॉर्म में बना लिया, तो आपका आंसर जो है निकल जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन ये भी आपको मैं करके दिखा देता हूं, बहुत सिंपल है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, माइनस 51 डिवाइडेड बाय 68। थर्ड क्वेश्चन, माइनस 51 डिवाइड बाय 68। ठीक है, ये भी थोड़ा बड़ा नंबर है, अगेन उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दो, माइनस 51 डिवाइड बाय 68। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको कुछ ऐसा नंबर ढूंढना है जो ये दोनों के टेबल में आए। ठीक है, दोनों उसके टेबल में आने चाहिए, ऐसा नंबर ढूंढना है। तो आप सोचोगे, पहली बात तो 68 है, 51 है, 2 के टेबल में तो जाएगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये इवन है, ऑड नंबर तो जाता ही नहीं 2 के टेबल में। ठीक है, 2 के टेबल में जो भी नंबर आता है उसके लास्ट में हमेशा 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, ये तो आपको पता ही है, तभी वो 2 से कट होता है, ये तो आपको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे 1 आ गया, तो आप ऐसा सोचो 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जा सकता है क्या? तो चलो मैं चेक करके देखता हूं। तो आपको क्या करना है, रफ में आना है, रफ में आके ये 51 जो नंबर है उसको चेक करना है कि ये 3 से कट होता है या। तो 3 1 जा 3 हो गया, माइनस करके 2 बचा 21, 3 7 जा 21 हो गया, मतलब ये कट हो गया, 0 आ गया मतलब कट हो गया। तो मतलब 3 के टेबल में 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 51 आना चाहिए। ठीक है, 51 आ रहा है, मतलब 3 से ये 51 जो है वो कट हो रहा है। लेकिन ये 3 से 68 कट हो रहा है क्या, वो भी चेक कर लेते हैं। अगर दोनों कट हो रहा तो हम लोग 3 से उसको काट सकते हैं। तो 3 के टेबल में 68 जा रहा है क्या, चेक करो। ठीक है, 3 2 जा 6, 0 बचा यहाँ पे सॉरी और 8। अब 3 के टेबल में 8 तो जाता नहीं, मतलब ये कट नहीं हो रहा है। तो हम लोग जो है 3 को 51 और 68 से नहीं कट कर सकते। अब आप जो भी नंबर आप सोचोगे, 3 के बाद आप क्या आता है, अब 3 के बाद आप देखो 4 आता है, तो 4 जाएगा ही नहीं 1 है। ठीक है, 5 नहीं जाएगा, 6 के टेबल में नहीं जाता है, 7 के टेबल में आता है क्या, 7 के टेबल में 51 नहीं आता है, 8 के टेबल में 51 आता है क्या, नहीं, 9 के टेबल में 51 नहीं, 10 11 12 ऐसे आप गिनते जाओ, क्योंकि आपको टेबल आना चाहिए उसके लिए। इसके लिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलता हूँ कि अगर आप चाहे 7th के हो, चाहे 6th के हो, चाहे 10th के स्टूडेंट हो, हर एक को एटलीस्ट मेरी तरफ से अगर मैं बोलता हूँ तो एटलीस्ट आपको 20 तक टेबल आना चाहिए। तो कि 20 तक आपको अगर टेबल आता है ना, तो कोई भी तरीके का सिंप्लीफाई में दे दो, कितना भी हार्ड नंबर का दे दो, कितना भी 10-10 डिजिट का नंबर दे दो, आप लोग उसको सिंप्लीफाई कर पाओगे, बहुत सिंपल होता है। क्योंकि डिवाइड का बेसिक मीनिंग यही होता है कि सिंप्लीफिकेशन करना। ओके, तो अब आपको फिर देखोगे, जैसे मैंने बोला 8 में नहीं जा रहा है, 9 के टेबल में 51 नहीं आता, 10 के टेबल में 51, 11 12 देख लो, 13 देख लो, 14 देख लो,
15 देख लो, 16 देख लो, किसी के टेबल में नहीं आ रहा है। लेकिन आप देखोगे जब 17 पे आओगे तो 17 के टेबल में जो 51 जो है वो आता है। कैसे? 17 3 51, क्योंकि मुझे टेबल आता है तो मेरे लिए वो 2 सेकंड का काम है इसको ये सिंप्लीफाई करना। लेकिन आपको टेबल नहीं आता है तो आप लोग इसको नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए टेबल लाना बहुत जरूरी है। तो आपने सोचा कि 17 के टेबल में जो है 51 आता है, 17 3 51, 68 जाता है क्या 17 के टेबल में? वो भी कर गए, 17 1 17 17 2 34, 17 3 51, 17 4 68, मतलब 17 के टेबल में ये भी जाता है और ये भी जाता है, मतलब मैं इसको 17 से कट कर सकता हूँ। कैसे? आपको मैंने जैसे बताया तो 51 अपॉन 68 है, तो इसको मैं कैसे कट करके दिखाऊंगा, वन स्टेप मैं एक्स्ट्रा लेता हूँ। यहाँ पे सेम लिखा मैंने, और 17 के टेबल में 3 बार में 51 आता है और 17 के टेबल में 4 बार में 68 आता है, तो आपका डायरेक्टली आंसर आ गया -3 और नीचे आ गया 4, तो -3/4 इज योर आंसर, करेक्ट है। कितना सिंपल वे में मैं आपको बताने की कोशिश किया, इतना सिंपल वे है कि आपको अगर टेबल आता है तो विदिन 2 सेकंड कितना लगेगा, सिर्फ कट करना है और लिखना है, 2 सेकंड या फिर 5 सेकंड पकड़ लो, आप लोग आंसर निकाल लोगे। तो उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन भी करा लेता हूं मैं आपको फटाफट से। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग का फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, 38 / -57 सेम आपको क्या करना है, पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देना है 38 / -57। अब ये नीचे माइनस होता है वो हम लोग अच्छा नहीं लगता है, तो माइनस ऊपर ला देंगे डायरेक्टली हो जाता है, क्योंकि फ्रैक्शन में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि 38 = -38/57, जो 57 प्लस माइनस था मैंने ऊपर ला दिया। अब मैं ऐसा नंबर ढूंढूंगा जो मेरा 38 को भी कट करे एंड 57 को भी कट करे। ठीक है, तो अगेन आप क्या करोगे, 2 का टेबल देखोगे, आपको ये सब फास्ट करना है, मन में सोचना है 2 के टेबल में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि 57 तो जाएगा ही नहीं किसी के टेबल में, 2 3 4 5 कितना भी कर लो, आप सीधा जाओगे किसके टेबल में, 19 के टेबल में। ठीक है, ये इसके लिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आपको अगर टेबल आता है तो आपको फटाक से क्लिक होता है यार 57 जो नंबर है ना वो मैंने कहीं देखा है, कहां देखा है, 19 के टेबल में देखा है, तो ये आपको फटाफट आएगा। तो इसके लिए आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको टेबल आना चाहिए एटलीस्ट 20 तक टेबल याद है। जैसे मुझे अभी, मैं और आप अलग नहीं है, मैं कौन सा इसको पहले से पढ़ के नहीं आ रहा हूं, मैं आपको पढ़ाने के लिए मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे ये सब चीज पढ़ा हुआ है, नॉलेज है मेरे को, एंड ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये मैं क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे टेबल याद है। तो मुझे टेबल याद है तो मैं बोलूंगा कि हाँ यार ये नंबर 57 जो है ना वो मैंने कहीं देखा हुआ है। ठीक है, तो देखा हुआ कहां देखा है, 19 के टेबल में देखा है, मतलब ये इसको, ये जो नंबर है 57 इसको मैं 19 से कट कर सकता हूं। तो अगर मैं इसको 19 से कट करूंगा तो 19 से मेरा ये नंबर भी कट होना चाहिए, तभी हम लोग का कर सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि दोनों नंबर कट होना चाहिए तो ही कर पाएंगे, नहीं तो एक नंबर कट होता है तो हम लोग वो नंबर सिलेक्ट नहीं करते। तो 19 से अगर 57 कट हो रहा है तो 19 से 38 भी कट होना चाहिए। तो आप सोचो कि 19 के टेबल में 38 आता है क्या, हाँ आता है, 19 2 38 होता है, मतलब मैं इसको 19 से कट कर सकता हूं। तो क्लियरली मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, -38/57 को मैं कट करके दिखाऊंगा, 19 2 38 एंड 19 3 57। ठीक है, करेक्ट है, याद आ रहा है, तो आप लोग का डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ये माइनस और ये 2, तो -2 और नीचे आ गया 3, तो -2/3 इज योर आंसर। क्लियर है, कितना सिंपल है, कितना सेकंड लगा, 5 सेकंड। क्या आना चाहिए आपको, टेबल आना चाहिए, तो अगर आपको टेबल आता है विदिन 5 सेकंड्स यू कैन गेट योर आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है आपको। अब चलते हैं हमारे पांचवे क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे मैं पांचवे लास्ट जो क्वेश्चन है, मैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व द फॉलोइंग का जो पांचवा क्वेश्चन है वो यहां तक कराऊंगा, और बाकी के 6 7 8 9 10 ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो जरूर से इसका सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, -85/20। ठीक है, इसको भी ले लेता हूं, यस, क्वेश्चन नंबर 1st का 5th। ठीक है, जो कि है आपको -85 दिया हुआ है, डिवाइड करना है इसको 20 से, करेक्ट है, यस, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, -85 है, लिख दो -85/20। ठीक है, अब 20 से तो डायरेक्ट इसको मैं डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि टेबल में आना चाहिए, और 20 के टेबल में आप गिनोगे भी तो 21 20 22 40 23 60 24 80 तो जाएगा नहीं पहली बात तो। ठीक है, तो आपको ऐसा नंबर सोचना है कि 20 भी जाना चाहिए और 85 भी जाना चाहिए। अब आप सोचोगे लास्ट में 0 आ रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है, तो कभी भी ऐसा नंबर दिखता है तो समझना कि वो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आता है तो मतलब 5 के टेबल में 0 वाला चीज आता है, जैसे 5 2 10 तो लास्ट में 0 आया, 5 4 20 लास्ट में 0 आया, 5 6 30 0 आया, या तो ऑड नंबर में करेंगे तो 5 7 35 मतलब लास्ट में 5 आ रहा है, तो लास्ट में अगर 5 और लास्ट में 0 दिख रहा है आपको मतलब वो 5 से जाना ही जाना है, बहुत इजी है। ठीक है, अब सिंपली आप क्या करोगे, इसको 5 से कट करके दिखाओगे, तो -85/20 ये दिया, अब इसको 5 के टेबल से कट करो, कैसे कट करोगे, 5 के टेबल में 5 4 20 होता है, कट हो गया 20। अब ये 85 को तो डायरेक्ट कट नहीं कर पाओगे, तो क्या करो, डिवाइड करके देख लो, 85/5 5 1 5 हो गया। ठीक है, माइनस करोगे 3 बचा, 35 हो गया, 5 कैरी हो गया ना इधर पे, 5 आ गया, और 5 7 होता है आपका 35, कैंसल हो गया, 0 बच गया, मतलब आपका आंसर आ गया 17, मतलब 5 की टेबल में 17 बार में आता है 85, 5 17 जा
85, तो कट हो गया यहाँ पे, तो क्या बचा ऊपर माइनस 17 बचा और नीचे क्या बचा 4 बचा। अब आप सोचो कि और ये कट हो सकता है क्या, अब नीचे 4 है तो 4 का टेबल तो आपको आता ही है, तो 4 के टेबल में 17 जाता है क्या, नहीं जाता है, 4 से 16 होता है, 4 5 से 20 होता है, तो 17 कहीं नहीं आता, मतलब इसको और मैं कट नहीं कर सकता और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। करेक्ट है, कितना सिंपल है, कितना सेकंड लगा, 5 to 10 सेकंड लगा आपको ये सब चीज फाइंड आउट करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर चीज आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है आपका एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, वो मैं आपको करा देता हूं फटाफट से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व द फॉलोइंग, 5 क्वेश्चन किए, तो 6, 7, 8, 9, 10 मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं एंड बाकी का आप जरूर से कर लेना, एंड उम्मीद करता हूं आप लोग कमेंट में आंसर करके बताओगे। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, प्रैक्टिस सेट 9 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, बोला है दैट इज राइट 3 डिविजन ऑफ इंटीजर्स, आपको बोला है कि 3 डिविजन आपको लिखना है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में क्वेश्चन लिख के बताता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि राइट 3 डिविजन ऑफ इंटीजर, आपको क्या लिखना है, 3 डिविजन ऐसा लिखना है किसका, इंटीजर का, लेकिन कौन सा नंबर है, वो जो नंबर होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, जो कि है आपका 24/5, ठीक है, 24/5। अब इसको करना क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन मतलब स्टूडेंट होंगे हमारे जो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सर क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। तो आपका जो क्वेश्चन रियल में है, एक्चुअली मैंने शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन, तो एक्चुअल में क्वेश्चन ये आपको सुनना है खाली, मैं क्या बोल रहा हूं कि राइट द डिविजन ऑफ 3 इंटीजर्स, मतलब क्या करना है कि एक नंबर आपको दिया हुआ है 24/5, ये नंबर को लेकर आपको इसके जैसा ही 3 डिविजन का इंटीजर बनाना है, जिसका वैल्यू जो है, जिसका आंसर जो है इसके जैसा आए, सेम आए, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको मैं बताता हूं यहाँ पे, आपको बस ध्यान में देना, ठीक है। अब पहला नंबर तो मैंने ले लिया ये खुद ही 24/5, इसको मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना है, 3 इसके जैसा दिखने वाला 3 बनाना है, इसके जैसा दिखने वाला मतलब जो इसका वैल्यू जो है सेम आए। अब मैं क्या करूंगा, 24/5 है, अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर जो है 2 मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब जितना वैल्यू मैं ऊपर दे रहा हूं उतना ही वैल्यू मैं नीचे भी दे रहा हूं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है, ये मेरा पहला निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, इसका पहला निकाल रहा हूं, 3 इंटीजर निकालना है ना, 3 डिवीजन निकालना है, तो ये मैं पहला निकाल रहा हूं, मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, 24 2 होता है 48, नहीं आएगा तो आप साइड में रफ में आप करके देख सकते हो, 24 2 48 होता है, नीचे डिवाइड हो गया और 5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 10 हो जाएगा, 48/10 मेरा पहला डिवीजन बन गया, क्योंकि 24/5 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा एक आंसर जो आएगा ना, वैल्यू जो आएगा पॉइंट में आए चाहे किसमें भी आए, वो जो वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा 48/10, क्योंकि हमने जो मल्टीप्लीकेशन लिया है दोनों के केस में कॉमन लिया है, तो कॉमन जब लिया है सेम लिया है तो कितना भी आप डिवाइड इसको भी कर लो चाहे इसको भी कर लो, ये दोनों का वैल्यू जो है सेम आएगा, ये हो गया पहला डिवीजन, ठीक है। वैसे सेकंड के लिए मैं क्या बना सकता हूं कि 24/5 ले लो, अब इसके साथ में कोई भी दूसरा नंबर, 2 को छोड़ के कोई और नंबर ले लो, लेट सपोज मैं लेता हूं माइनस में लेता हूं ऊपर से, ठीक है, -3 लेता हूं, ठीक है, -3/-3, ऊपर भी माइनस है तो नीचे भी माइनस लेना पड़ेगा, करेक्ट है ना, तो 24/-3 करूंगा तो ये -72 हो जाएगा, -5/3 इज -15, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 72/15, माइनस माइनस कटोगे ना, इसका भी माइनस इसका भी माइनस, 72/15 ये भी सेम रहेगा जो कि 24/5 का वैल्यू है, करेक्ट है। आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपने क्या किया, सिर्फ कॉमन नंबर से उसको मल्टीप्लाई किया, तो आपको नंबर चाहिए ना, 3 ऐसे नंबर चाहिए जो उसका वैल्यू जो है वो सेम आता हो, तो 24/5 का नंबर भी सेम, वैल्यू जो आएगा वो भी सेम आएगा, 48/10 का भी जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, 72/15 का भी जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, क्यों, क्योंकि आपने उसका क्या लिया है, मल्टीप्लीकेशन ही लिया है ना, करेक्ट है, तो आपका उसका मल्टीप्लीकेशन ही ले रहे हो, उसके ही फैक्टर ले रहे हो, तो उतना ही आने वाला है। एक और ले लेते हैं, तीसरा नंबर पूछा है हमें, तो 3 ले लेंगे, तो 24/5 ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, इसके साथ में कोई और मल्टीप्लाई कर लेता हूं, लेट सपोज मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 24/5 कितना होता है 120, ठीक है, डिवाइड बाय मैं क्या करूंगा, 5/5 कितना हो गया 25 हो गया, तो 120/25 इज माई अनदर नंबर, जो कि जिसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, करेक्ट है फ्रेंड्स। तो ये आपको समझ में आया होगा, जो कि बहुत सिंपल टर्म्स दिया हुआ है आपको, जो क्वेश्चन पूछा था कि आपको 3 डिवीजन लिखना है इंटीजर्स का, जिसका वैल्यू है वो 24/5, तो आपने निकाल लिया 48/10, 72/15, 120/25। बाकी जो स्टूडेंट लोग हैं हमारे, आप कौन सा भी नंबर ले सकते हो, यहाँ पे मैंने 5 लिया, 3 लिया, 2 लिया, आप कोई भी ले लो, 4 ले लो, 8 ले लो, 25 ले लो, कुछ भी आपको जो लेना है, तो इसके लिए आपको जो आंसर होंगे सबके अलग अलग आएंगे, आप जो नंबर लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपका जो वैल्यू लिया है आपने, जो भी नंबर आपने लिया उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा, तो आप किसी और से जब अपना आंसर कंपेयर करोगे तो हो सकता है उसका आंसर अलग हो जाए और आपका आंसर अलग हो जाए, लेकिन आप दोनों का आंसर जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा, इतना यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, करेक्ट है, समझ में आ गया। तो वैसे एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेम इसकी जैसा ही है, तो वो भी मैं करा लेता हूं, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आप लोग के लिए मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में फटाफट करा लेता हूं, जो कि इसके जैसा ही सेम है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, उसको भी हम फटाफट से कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, अगेन राइट 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, किसका दिया है यहाँ पे, जो फ्रैक्शन दिया है वो है यहाँ पे -5/7, ठीक है, तो -5/7 ये आपका एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, ओके, सेम 3 डिवीजन करना है इसका, 3 नंबर फाइंड आउट करना है, तो
माइनस फाइव बाय सेवन ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, लेट सपोज मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसके साथ 4 by 4, ठीक है, तो ये हो गया ऊपर माइनस 20, नीचे हो गया 28, ये पहला नंबर निकाल लिया, ठीक है। वैसे आप दूसरा नंबर निकाल लो, कोई भी, माइनस फाइव बाय सेवन ओरिजिनल नंबर है, कोई भी मल्टीप्लाई कर लो, 2 by 2 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 10 हो गया, नीचे हो गया 14, ठीक है। वैसे तीसरा नंबर ले लो, माइनस 5 by 7 मेरा ओरिजिनल नंबर है, मल्टीप्लाई कर लो 3 से, 3 by 3, माइनस 15 upon 21, करेक्ट है, आपको मिल गया, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, सेम, बहुत इजी है, सेम आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था सेम वैसे ही आपको करना है। तो उम्मीद करता हूं ये पर्टिकुलर चीज आपको समझ में आएगा एंड मेथड समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा आपके बुक के अंदर, ठीक है, ये डायग्राम है, ये मछली वगैरह यहाँ पे बना नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, जो कि एक्टिविटी बेस है, बहुत सिंपल है, मैं आपको बता दूं करना क्या है। तो आपको ये करना है कि आपको एक पॉन्ड दिया हुआ है नीचे, वो जो मछली वाला जो डायग्राम है वो पॉन्ड है, उसमें बहुत सारी फिशेस है, तो आपको कोई भी चार जोड़ी बनानी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि एग्जांपल में दिया हुआ है कि -13 × -15, ठीक है, तो एक जोड़ी बनानी है आपको कि सेम सेम नंबर, जैसे कि माइनस माइनस वाले नंबर है उसका एक जोड़ी बन गया, ठीक है, प्लस प्लस पॉजिटिव वाले नंबर है उसका एक जोड़ी बन गया, यहाँ पे अपॉन फ्रैक्शन अपॉन वाले जोड़ी है उसका एक जोड़ी, तो जोड़ी बनाओ और लिख दो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में तो जनरली नहीं पूछे जाते, लेकिन ये आप लोग को एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका प्रैक्टिस सेट 9 का, ये आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। एंड आज मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूं कि जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है हमारा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, यहाँ पे होता है टोटली कंप्लीट, ठीक है। तो आने वाले दिनों में जब भी हमारा मैथ्स का लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में हम लोग लेकर आएंगे आपके लिए चैप्टर नंबर 3 इसके लिए, एंड उसके लिए आप लोग को इंतजार करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पर्टिकुलर वीडियो एंड ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा है हमारा वीडियोस, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स, सबको बता दो यहाँ पे कि मैथ्स का वापस से चालू हो गया, हर वीक होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में है कि उनको पता नहीं कि मैथ्स का लेक्चर कब है, साइंस का लेक्चर है, तो आप उनको बताओ दोस्तों, जब भी आप लोग देखते हो ये वीडियो, आपके लोग को नहीं पता, आपके फ्रेंड्स लोग को नहीं पता, तो उनको शेयर करके बता दो कि हाँ मैथ्स का वीडियो आ गया है, साइंस का वीडियो आ गया है, तो उनको ऐसा शेयर करके बताओ, तो ही उनको पता चलेगा, नहीं तो बहुत सारे हमारे जो लेक्चर वीडियो है उसको स्किप कर देते हैं, मिस कर देते हैं, एंड फिर हमें कमेंट करके पूछते हैं कंटिन्यूअसली, हजार कमेंट आ जाते हैं एक दिन में दोस्तों, तो हर एक को पॉसिबल नहीं होता है रिप्लाई देना, इसके लिए मैंने आपको अपना पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल भी दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां पे जाके पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो, क्योंकि वहां पे मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूं, तो आपका जो मैसेज होता है उसको मैं जल्दी रीड कर पाता हूं, रिप्लाई भी दे पाता हूं, तो जरूर से वो चीज कर सकते हो। ऑलवेज अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो मैं जरूर से आपको रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं, पूरी कोशिश करता हूं, तो आपको बस यही करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो, हमारे कॉन्टेंट्स आपको पसंद आ रहे हैं, तो ऐसे ही आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।